हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकेंड प्लैटर। आज की रेसिपी मैं स्पेशली सी फूड लवर्स के लिए लेके आई हूँ। मसाला प्रॉन्स बेहद टेस्टी डिश है, मेरी तो फेवरेट है ही। आप भी ये रेसिपी ट्राई करना, आपकी भी फेवरेट हो जाएगी। इस रेसिपी में मैंने मालवनी मसाला यूज किया है। मसाले का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा और मैं वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, शेयर करे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम प्रॉन्स। इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और धोकर हल्दी में मैरिनेट कर लिया है। एक चुटकी हल्दी काफी है। दो मीडियम साइज के प्याज, दो मीडियम साइज के टमाटर, आधा कटोरी नारियल, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच मालवनी मसाला, 4 से 5 कैरी के टुकड़े, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट 2 चम्मच लेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया आधा कटोरी, 4 सूखी लाल मिर्च, 2 गुंटूर और 2 बेडगी, 1 तेज पत्ता, 1/2 इंच दालचीनी, 1 चम्मच धनिया के बीज, 2 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्च और कोयला। ये हमें स्मोकी फ्लेवर के लिए चाहिए। सबसे पहले कढ़ाई में मसाले भून लेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच तेल लेंगे और पहले डालेंगे सूखी मिर्च, 2 गुंटूर और 2 बेडगी, फिर 1 चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 चम्मच धनिया के बीज, 1/2 इंच दालचीनी। मिक्स करते हैं, अरोमा आने तक भूनेंगे। फिर डालेंगे 1/2 कटोरी सूखा नारियल, अच्छे से भूनेंगे ब्राउन होने तक। ये हो गया। इसे प्लेट में निकालेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसे ग्राइंडर में डालेंगे। थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। उसी कढ़ाई में लगभग 4 चम्मच तेल लेंगे। तेल गर्म होने के बाद 1 तेज पत्ता डालेंगे, 2 प्याज बारीक कटे हुए, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। फिर डालेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। मिक्स करते हैं। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। मिक्स करते हैं। जैसे ही टमाटर पक जाए या सॉफ्ट हो जाए, हम डालेंगे ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। जब किनारों से तेल छूटने लगे, हम डालेंगे अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, ये 2 चम्मच है। मिक्स करते हैं। एक चम्मच मालवनी मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला। मिक्स करते हैं। अब डालेंगे प्रॉन्स। नमक स्वाद अनुसार।
एक कटोरी पानी डालेंगे। पानी ग्राइंडर में से ही मिक्स कर लेंगे ताकि बचा हुआ पेस्ट निकल आए। मिक्स करते हैं। एक उबाल आने के बाद कढ़ाई को लिड से कवर कर लेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। बस अब लिड निकाल देंगे। इसमें मैं डालूंगी 4 से 5 कैरी के टुकड़े। मिक्स करते हैं। अब हम इसे देंगे स्मोकी फ्लेवर। पहले तो गैस बंद कर देंगे और एक छोटी कटोरी कढ़ाई के बीचों बीच रख देंगे और दूसरी फ्लेम पे कोयला गर्म करेंगे। कोयला जैसे ही जल के लाल दिखने लगे तुरंत कटोरी में रख देंगे और तुरंत ही आधा चम्मच घी जलते हुए कोयले पे डालेंगे और लिड से कवर कर देंगे। 4 से 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। लो हो गया हमारा प्रॉन्स मसाला रेडी। ये बहुत टेस्टी बना है, इसके अरोमा से ही पता चल रहा है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ये आप ही का चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।